हेलो एवरीवन, आज मैं 12th बायो के असाइनमेंट को सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें पहले देखते हैं कि यह है एक बीजांड का क्लियर स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन कौन सा भाग होता है, जैसे कि इसमें होता है फ्यूनिकल, हाइलम, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, चलावदा एंड एम्ब्रियो सैक। तो पहला देखते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है कि ओव्यूल, और ओव्यूल जो है ओवरी से जिस प्लेस से जुड़ा होता है, जिस चीज से जुड़ा होता है या फिर जिस वृंत से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाइलम। हाइलम क्या होता है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ यह बीजांड प्रिंस से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं, यानी कि फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस प्लेस से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं। जैसे कि ऊपर के पार्ट में हम देख सकते हैं, इसे हाइलम कहते हैं। देन आता है बीजांड का है न्यूसेलस। बीजांड का अधिकांश भाग पेरेन्काइमल सेल्स से बना होता है जिसे बीजांड का न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है जो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो बीजांड का जो है मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो होते हैं किससे बना होता है, पेरेन्काइमल सेल्स से मिलकर बना होता है जिसे न्यूसेलस बोलते हैं। और ये जो होती है पतली भित्ती वाली कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है, प्रत्येक बीजांड एक स्तरीय आवरण अथवा द्विस्तरीय आवरण से मिलके मतलब ढका होता है, उसे अध्यावरण कहते हैं। यानी कि इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें दो लेयर्स है न्यूसेलस के बाहर। तो न्यूसेलस के बाहर जो दो लेयर है उसे अध्यावरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोपाइल्स। माइक्रोपाइल्स क्या होता है, बीजांड का वह भाग जो अध्यावरण द्वारा नहीं ढका रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। यानी कि यहाँ के सबसे नीचे का पोर्शन देख सकते हैं, वहाँ पर जो है अध्यावरण नहीं है, यानी कि वहाँ का प्लेस जो है खाली है, तो उस प्लेस को बोलेंगे हम माइक्रोपाइल्स। फिर आता है निभाग, इसको चलादा भी बोलते हैं, यानी कि चलादा को ही निभाग बोलते हैं। तो ये बीजांड काय का आधारीय भाग जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं, यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट देख सकते हैं जहाँ से अध्यावरण निकल रहे हैं या फिर इंटेग्यूमेंट्स निकल रहे हैं, उस प्लेस को बोलते हैं चलादा। तो इस ये जो है क्या इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट जो है सबसे ऊपर, इंटेग्यूमेंट जहाँ से निकल रहे हैं उसको चलादा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भ्रूणकोश या फिर एम्ब्रियो सैक। तो ये जो होता है न्यूसेलस के अंदर एक थैले के समान संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश या फिर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसमें 8 केंद्रक होते हैं, यानी कि ये 8 न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है माइक्रोपाइल्स के जस्ट ऊपर में 3 सेल्स होती हैं, जिसमें कि नीचे के 2 सेल्स जो होते हैं उसको सिनर्जिक सेल्स या फिर सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, और जो उसके ऊपर एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एग सेल्स बोलते हैं। उसके बाद इसके मध्य में आते हैं, एम्ब्रियो सैक के मध्य में आते हैं, तो 2 कोशिकाएं होती है या फिर 2 न्यूक्लियस होती है जो कि बाद में मिलने के बाद एक हो जाती है। तो जो दो न्यूक्लियस होते हैं उसको पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद जब वो एक न्यूक्लियस बन जाता है तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद चलादा के जस्ट नीचे 3 कोशिकाएं होती है जिसे प्रतिमुख कोशिकाएं या फिर एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। इस प्रकार एक बीजांड का स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन में शामिल न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन के समय जब 2 मेल गेमेट्स जो है वो ओव्यूल में जाके एक मेल गेमेट का पहले एग सेल से फ्यूजन और फिर दूसरा मेल गेमेट का पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन होना, तो ये कहलाता है 2 बार 2 मेल गेमेट का 2 अलग अलग न्यूक्लियस से फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन।
और त्रिकसंलयन। त्रिकसंलयन मतलब कि जो दो मेल गेमिट्स है उसमें का एक तो एग न्यूक्लियस से फ्यूजन कर लिया, लेकिन दूसरा जो है किससे फ्यूजन करता है, पोलर न्यूक्लियस से। तो पोलर न्यूक्लियस से करता है, तो वो दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है एक मेल गेमिट, तो इसलिए उसको त्रिकसंलयन कहते हैं। इस प्रकार उसको तिहरा निषेचन भी बोला जा सकता है, क्योंकि उसमें दो पोलर न्यूक्लियस होता है जिससे एक मेल गेमिट जो है फ्यूजन करता है, इसलिए उसको तिहरा निषेचन बोला जाता है। तिहरा निषेचन से जो त्रिगुणित केंद्रक विकसित होता है वो आगे चलकर क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो पौधे में उपस्थित जो ओव्यूल है, ओव्यूल में बनता है जो ओवम, उसको पोषण देने का काम करता है, जस्ट लाइक प्लेसेंटा। और आगे इस क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिसंलयन में शामिल न्यूक्लियाई का नाम बताइए, तो वो होगा कि पोलर न्यूक्लियस, क्योंकि वो दो रहता है, और एक क्या होता है, मेल गेमिट होता है, सेकेंडरी मेल गेमिट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसव क्या है, इसे कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं, निम्नलिखित के एक एक कार्य लिखे, वृषण और अंडाशय। तो प्रसव क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ होना, ठीक है। सबसे पहले स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जो आगे मल्टीप्लीकेशन करके सेल डिविजन करके भ्रूण में परिवर्तित होती है, यानी कि फीटस में परिवर्तित होती है, और 9 मंथ में वो मैच्योर होके एक चाइल्ड का फॉर्म में बन जाता है, जो प्रसव के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस से बाहर होता है। यूट्रस जो होता है गर्भाशय होता है, यानी कि पूरा उसका पोषण, बच्चे का पोषण मादा के गर्भाशय में होता है। और इसे रिलैक्सिन हार्मोन प्रेरित करते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिलैक्सिंग जो हार्मोन होते हैं वो चाइल्ड बर्थ के दौरान मांसपेशियों को शिथिल कर देती है, जिससे प्रसव आसानी से हो जाता है। और आगे है, निम्नलिखित के एक एक कार्य लिखे, तो वृषण और अंडाशय। तो वृषण का क्या कार्य है, तो वृषण जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल में। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि मेल में एडल्ट होने के बाद जो शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्षण यानी कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइज होके क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, जो आगे भ्रूण में परिवर्तित होता है। और उसी तरह अंडाशय, अंडाशय में क्या बनता है, ओवम बनता है, ओवम बनता है जो कि टेस्टिस के, मतलब टेस्टिस नहीं, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाता है, और आगे वो फीटस और भ्रूण में परिवर्तित होकर वो एक चाइल्ड बर्थ करता है, ठीक है। अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, जो फीमेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि वृषण में जो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती है, और जो जनन कोशिकाएं हैं वो आपस में विभाजित होके क्या बनाता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, शुक्राणु जनन कहते हैं। और जो भी कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेती हैं, यानी कि शुक्राणु जनन में भाग लेती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। शुक्राणु जनन में मुख्य रूप से 3 हार्मोन जो होते हैं सम्मिलित होते हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो कि मेल हार्मोन है, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल हार्मोन है। तो शुक्राणु जनन जो होती है वो 2 फेज में होती है, यानी कि 2 स्टेप होते हैं शुक्राणु जनन में। तो पहला स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड का कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो पहले देखते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो स्पर्मेटिड्स का निर्माण कैसे होता है, एक प्राइमरी जर्म सेल्स जो होती है वो माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू क्या बनाता है, स्पर्मेटिड्स बनाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो इसका 3 फेज है, गुणन प्रवस्था मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज।
तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, एक प्राइमरी जर्म सेल्स जो है जो कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होती है वो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, दो बार माइटोसिस होता है उसके थ्रू बनाता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें का चार स्पर्मेटोगोनिया बनता है एक प्राइमरी जर्म सेल से, जो कि चार में से तीन जो होते हैं लुप्त हो जाते हैं, यानी कि तीन जो है खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक आगे जाके वृद्धि करता है जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। तो इस प्रवस्था को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। और पहले की प्रवस्था जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, चार स्पर्मेटोगोनिया बना, उसको गुणन प्रवस्था बोलते हैं। उसके बाद आता है परिपक्वन प्रवस्था यानी कि मैचुरेशन फेज। इसमें जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है माइटोसिस के क्रिया के थ्रू क्या बनाता है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, और इसके बाद इसका मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो डिप्लॉयड कोशिका है, 2x जो क्रोमोसोम्स है वो XX क्रोमोसोम्स बनाते हैं और चार स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं, यानी कि एक प्राइमरी जर्म सेल से क्या होता है, चार स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो स्पर्मेटिड का कायांतरण क्या है, जो स्पर्मेटिड है वो कायांतरण द्वारा चार शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब इसका मतलब ये है कि एक प्राइमरी जर्म सेल जो है, एक प्राइमरी जर्म सेल जो कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है वो चार शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इस प्रकार शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 5, परागकण की बाह्य चोल व अंतः चोल किससे बनी होती है। एक परागकण का चित्र बनाकर उसमें निम्न भाग दर्शाइए, बाह्य चोल, अंतः चोल, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। तो परागकण की बाह्य चोल व अंतः चोल जो होती है वो क्यूटिन युक्त मोटा आवरण से बना होता है। एक परागकण का चित्र ये है, तो उसमें क्या क्या है, बाह्य चोल जिसको एक्जिन भी बोलते हैं और अंतः चोल इंटीन। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बाह्य चोल जो होता है वो क्या होता है, एक कांटेनुमा संरचना वाला पार्ट होता है जो आउटर लेयर होता है, और अंतः चोल जो होता है उसके जस्ट नीचे होता है, और वो क्या होता है, एक गोल संरचना होता है, और उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसको जनन कोशिका कहते हैं, और उसके अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं।